हेलो गाइस, मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताऊंगा कि फोन पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट को कैसे रिमूव करते हैं। अगर गाइस आप फोन पे एप्लीकेशन को यूज करते हो तो आपको पता होगा फोन पे एप्लीकेशन की एक और न्यू अपडेट आई थी, और जैसे सबने अपडेट किया था तो फोन पे एप्लीकेशन में जो माय मनी वाला ऑप्शन था वो रिमूव हो चुका था। और जैसा कि आपको पता होगा कि माय मनी वाले ऑप्शन में जैसे अपन क्लिक करते थे उधर डायरेक्टली एक बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन मिल जाता था, उधर से आप अपने बैंक अकाउंट को रिमूव कर सकते थे। लेकिन गाइस इधर पर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई इधर पर फोन पे एप्लीकेशन में जो माय मनी वाला ऑप्शन है वो रिमूव हो चुका है, अब अपने बैंक अकाउंट को कैसे रिमूव करते हैं मुझे बताओ। तो मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन से भी माय मनी वाला ऑप्शन रिमूव हो चुका है तो अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट को रिमूव करना चाह रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को देखो आखिरी तक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है और जो होम वाला ऑप्शन रहता है आपको उधर पर आ जाना है। जैसे आप आ जाओगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, एंड उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा प्रोफाइल वाला। तो आपके सामने जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको क्लिक करना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन में। एंड जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब इधर पर आपका बैंक अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी बैंक अकाउंट ऐड रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा पेटीएम बैंक अकाउंट ऐड है। तो इधर पर हमें इस बैंक अकाउंट को रिमूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा आपको बैंक अकाउंट जो भी आपका ऐड हो उस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। एंड जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। इधर पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा अनलिंक बैंक अकाउंट, तो आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद अनलिंक वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका बैंक अकाउंट है जो अनलिंक हो जाएगा। तो गाइस सर कुछ इसी तरह से आप अपने बैंक अकाउंट को अनलिंक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो नीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।